नमस्कार, आप देख रहे हैं एलटीटी न्यूज़। एलटीटी कासगंज के अमापुर में चोरों ने दिया घटना को अंजाम। मेडिकल स्टोर का ताला तोड़कर चुराई लाखों की दवाएं और उड़ाई नकदी। पुलिस जुटी छानबीन में। विवेक कुमार, क्या घटना हुई है भाई साहब? हम लोग रात में दुकान बढ़ा के गए थे, उसके बाद जब हम सुबह जब आए थे तो उसमें दुकान के ताले टूटे पड़े थे। जब हमने दुकान खोली तो उसमें सामान सब बिखरा पड़ा हुआ था, तो फिर हमने देखा, बाकी जब सामान देखा तो सब सामान उसमें से निकल चुका था। नकदी वगैरह भी थी क्या? हाँ भाई साहब, 5,000 रुपये गुल्लक में रखे थे। गुल्लक में जो रुपए रखे थे वो एक एजेंट को जमा करने थे मुझे, इसलिए वो मैं यहीं रख के छोड़ गया। तहरीर दी है क्या? हाँ भाई साहब, थाने में हमने तहरीर दी है। आपका अपना लक्ष्य था टारगेट। क्या मामला? उत्तर प्रदेश के कासगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चलें कि देश भर के साथ उत्तर प्रदेश में भी हनी ट्रैप के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। कासगंज में मिली है हनी ट्रैप की शिकायत के बाद एएसपी आदित्य प्रकाश वर्मा ने स्वयं हनी ट्रैप के मामले में रुचि दिखाते हुए हनी ट्रैप करने वाले गैंग के सदस्यों के खिलाफ कराया मामला दर्ज। वो लगातार अश्लील हरकत करते हुए मुझे प्रोत्साहित कर रहा था कि आप ये करिए वो करिए, तो इस पास लगा कि ये मतलब ये प्रकार के लोगों को कार्रवाई करना चाहिए। उसके बाद जब मेरे द्वारा उसको वो किया गया तो मुझे फिर आया कि नहीं, मैंने आपका वीडियो बना लिया, यूट्यूब पर डालूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो उसको मेरे द्वारा थाना कासगंज में इस प्रकार का पूरा प्रकरण का मैंने एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें अपनी साइबर सेल को लगाई है और जहाँ उच्च स्तर पर सहयोग होगा वहाँ से उच्च स्तर पर सहयोग लेंगे।